को मेरे को देखिए जी, हमें कोई आता है फिर इसको ठीक करने के लिए? हमें कोई भी नहीं आता। पीने का पानी आप देख रहे हैं, सब बुरा हाल हो गया है। अब देखो मेरे कुछ नहीं, बुरा हालात है जी, बिल्कुल बुरा हालात है, निकले नहीं जाता। अगर पड़ जाए तो कहना आपसे दोबारा उठा नहीं जाए, भगवान के जाना पड़ा है। पूरी की पूरी गली सीवरेज व्यवस्था से इतनी चरमराई हुई है कि यहाँ भी निकल सकते हैं, ये तो आपको कैमरों में खुद दिखाई दे रहा होगा। चिकनाई हो रखी है और इतने मच्छर पनप रखे हैं, या डेंगू तक के आ रखे हैं, या कोई सुनने वाला नहीं है, या इतने डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है, ना तो हॉस्पिटलों में कोई व्यवस्था है, ना वो कोई प्रशासनिक व्यवस्था है। नमस्कार, मैं सोमेश जाकर, आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। इस वक्त मैं चरखी दादरी के वार्ड नंबर 8 में खड़ा हूँ और वार्ड नंबर 8 में जो जनता है काफ़ी परेशान है। परेशान क्यों है उसका आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से परेशान है। पूरी की पूरी जो गली है वो पानी से भरी पड़ी है। पूरी गली में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से आदमी कोई निकल सके। लोगों को आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से इस गंदे पानी में से निकलना पड़ रहा है। कारण ये है इस गंदे पानी का खड़े होने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कि जो एक सीवर है और सीवर जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो ये यहाँ नहीं हो रहा है, पूरी की पूरी गली में हो रहा है। अगर आप यहाँ से दूर तक नज़ारा देखेंगे तो पूरी की पूरी जो गली है वो बिल्कुल पूरी की पूरी इसी प्रकार से लबालब भरी है। आखिर तक आपको पानी यहाँ पर दिख जाएगा। लोगों को यहाँ पर जीना दुभर हो रखा है। काफ़ी बड़े बड़े मकान बने हैं और उसके बावजूद यहां पर लोग जो हैं अच्छी प्रकार से रह नहीं पा रहे हैं और ये हालात है। यहां पर ताऊजी हैं, जरा जान लेते हैं। ताऊजी कहां कहां से निकलने में परेशानी आ रही है? हमें कहीं से निकलने की जगह नहीं है जी। हमें कोई आता है फिर इसको ठीक करने के लिए? कोई भी नहीं आता जी, कोई भी ठीक करने के लिए नहीं आया। देखो उस अधिकारी को सबको कह चुके, उनके पास जा चुके हैं, और पीने का पानी आप देख रहे हैं, ऐसा बुरा हाल हो गया है। अब देखो मेरे को खुशी है जी, बिल्कुल। और बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग ऐसे हालातों में कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं निकल सकते, क्योंकि खुद पहले ही मुश्किल से चला जा रहा है। और ऐसे में जब ये इस प्रकार का जो माहौल जब बन जाता है तो उसमें किस प्रकार से वो लोग वहाँ से निकल पाएंगे ये आप समझ सकते हैं। एक और बुजुर्ग हमारे साथ हैं यहाँ पर हैं जी। ताऊ जी, क्या हालात बने हैं बेटे? बुरा हालात है जी, बिल्कुल बुरा हालात है, निकले नहीं जाते। अगर पड़ जाए तो कहना आपसे दोबारा उठा नहीं जाए, भगवान को जाना पड़ेगा जी। तो कोई अधिकारी प्रशासन का या फिर कोई नेता किसी प्रकार की सुनाई कोई नहीं करता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं, ना चेयरमैन सुना, ना एमसी सुना, कोई नहीं सुनता जी। हालात यहाँ पर सुन सकते हैं कि ना चेयरमैन सुन रहे हैं ना एमसी सुन रहे हैं। यहाँ पर भाई साहब हैं, भाई साहब हालात थोड़ा सा बताएं। भाई साहब, गली के हालात इतने खस्ता हैं कि कहने की याद नहीं है। पूरी की पूरी गली सीवरेज व्यवस्था से इतनी चरमराई हुई है कि यहाँ भी निकल सकते हैं, ये तो आपको कैमरों में खुद दिखाई दे रहा होगा। यहाँ की सीवरेज व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि किसी तरह से हम बयां कर नहीं सकते। इस गले के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि कुछ एक घर तो घर छोड़ के जा चुके हैं और रेंट पे जाके रह रहे हैं, यानी किराए पे रह रहे हैं, यानी लगभग 10,000 रुपये रेंट भुगता जा रहा है। मैं खुद भी एक रेंट पे रह रहा हूँ, कभी कभी यहाँ के संभाल लेते हैं अपने घर को, वरना हम भी खुद रेंट पे ही रहते हैं। यहाँ से छोड़ना ही पड़ गया है मकान। हाँ, क्या करें, और कोई समाधान ही नहीं है। कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारी कोई लग गई तो भाई पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाए। ये आजकल बीमारियां जो लगी हुई हैं वो बड़ी घातक बीमारियां हैं। यहाँ पे बुजुर्गों का और बच्चों का तो जीना दुभर है, आम जन का भी जीना बड़ा दुभर है। बिल्कुल, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से एक बार इधर दिखा दें किस प्रकार से यहाँ पर से पानी निकल रहा है। दूसरा ये दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर पूरी की पूरी गली की में जो है वो यहाँ जो काई जम चुकी है, लोगों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो चुका है। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिखाएं कि मच्छर जो हैं वो बुरी तरीके से यहाँ पर हो रखे हैं। और बीमारियों का एक सबसे बड़ा कारण तो मच्छर ही होता है, और मच्छर अगर इस हालत में है तो आप समझ सकते हैं। अगर घरों में इस प्रकार से अगर आपके कूलर में मच्छर मिल जाए या आपकी टंकी में मच्छर मिल जाए तो आपका चालान हो जाता है, और यहाँ पर प्रशासन का चालान कौन करेगा ये समझने से परे बात हो चुकी है। और यहाँ पर आंटी जी एक डिब्बा लेके खड़ी है पानी का, और आप यहाँ पर देख लीजिए ये पीने का पानी यहाँ पर आ रहा है, जिसको शायद पीना शायद बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बिल्कुल काला पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ऐसा पानी लोगों की सप्लाई में आ रहा है। तो ऐसे में कैसे ये लोग यहाँ रह रहे हैं आप समझ सकते हैं। यहाँ पर भाई साहब हैं, जरा इनसे भी जरा जान लेते हैं जी। ये पानी की समस्या, ये बाहर सीवर की समस्या कितने टाइम से? ये 2 साल से जी, 2 साल समस्या है। और सीएम एमसी को भी बोल दिया है और चेयरमैन को बोल दिया है, करवाएंगे व्यवस्था, वो करवाएंगे, आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। और मैं अपनी बहन के पास आया हूँ, मैं तो ये कहता हूँ बहन तू भी अपना चेंज कर ले, रेंट पे मकान ले ले। इससे लाखों रुपए लगा करके घर बनाया है, उसको ऐसे ही छोड़ के कैसे चले जाए, क्या करें क्या करें। यहाँ ये डेंगू के मच्छर पैदा हो रहे हैं, यहाँ पानी में हमने आना पड़ता है, इतने पानी में 2-2 फुट पानी चढ़ रहा है यहाँ पे, इतनी बदबू आ रही है। पानी पीने के लिए मांगते कर नहीं, हम तो बिजली
बोतल मंगा के पी लेंगे, हम तेरा पानी नहीं पियेंगे। हम अपनी बहन को बोलते हैं बात, अगर हम तेरा घर का पानी नहीं पियेंगे, हम बिजली बोतल मंगा के। सुन लीजिए कि लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं रिश्तेदार, वो भी बड़ी परेशानी में है भाई साहब। ऐसी स्थिति में तो लोगों को यहाँ पे रहना शायद ही मुश्किल हो जाएगा यहाँ। हाँ सर, यहाँ तो किसी भी हिसाब से रहना बड़ा दुभर है, और सबसे बड़ा कारण तो यहाँ का जो उपायुक्त मैम है, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि आपकी गली का जल्दी से जल्दी सुधार कर देंगे। इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, इतना भाई पैसा लगा दिया दादरी पे, भाई पानी व्यवस्था और सीवरेज व्यवस्था को ऐसा दुरुस्त कर दें कहने का दिन, लेकिन ये देख लो कितनी दुरुस्त है। वायदे झूठे हो गए। हाँ, वायदे झूठे नहीं, बड़े झूठे हैं जी। अगर जो पानी अभी दिखाया गया आपको पीने का, अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर प्रशासनिक अधिकारी इनको पी ले ना, तो हम तो हंसते हंसते पी लेंगे जी। बिल्कुल, और जो मैंने अभी आप लोगों को पानी दिखाया था उसी के बारे में ये भाई साहब बात कर रहे हैं जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं बीजेपी ओबी मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ, यही चरखी दादरी से ही, और आज मेरी बहन के गली के अंदर ये हाल है। तो हमारा क्या, आपकी सरकार का मामला है। तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ, अगर जो शासन और प्रशासन हमारा काम नहीं कर रहा, हम आप ही वोट मांगते भी दिखो, तो क्या करें, क्योंकि हम उनके साथ है। पर सुनो, नीचे वाले नहीं करते, प्रशासन नहीं करता, शासन करता। अफसर साहब आवी है। बात यही है, नहीं तो इतनी बार कंप्लेंट दे चुके हैं, सारा काम हो चुका है, है? कोई सुनता ही नहीं देता जी। बिल्कुल, और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ से निकलना सुबह से ही परेशानी होती होगी, बच्चे हैं और हैं, बुजुर्ग हैं, सबको यहाँ से निकलने में परेशानी होती होगी। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि बच्चे कैसे निकलते होंगे। यहाँ पर बच्चे हैं, जरा इनसे भी जान लेते हैं। बेटा, परेशानी होती है निकलने में? बहुत होती है। सुबह स्कूल जाते हो तो ड्रेस खराब होती है? पड़ जाता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए जी। जी मैडम, क्या क्या और समस्याएं, कहाँ कहाँ से और क्या क्या है? सर, पूरी गली में अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो डर लगता है स्लिप ना हो जाए बच्चे का पैर, और जो मान लो काम करते हैं उनको भी दिक्कत है, और हमारे जो हस्बैंड की सब्जी की रेडी लगाते हैं उनका पैर स्लिप होने में भी डर लगता है। सर, वो दिन रात मेहनत करते हैं, अगर जब गंदगी होगी तो दिन रात मेहनत कैसे करेंगे? सर, अब सब लोग परेशान है, बिल्कुल भी पानी नहीं सूख रहा, बिल्कुल भी डर लगता है कि यहाँ से निकलोगे तो कभी बीमारियां ना हो जाए और कुछ परेशानी ना हो जाए, गिर करके चोट ना लग जाए। स्मेल इतनी आती है सर, सोते हैं ऐसे लगते से गंदे पानी का सीवर का खाना खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसा लगता है अजीब सा स्मेल। परेशान होते हैं सोने में भी, उठने में भी, जाने में भी, आने में भी, यही गली है, सब परेशान है सर, बहुत ज़्यादा परेशान है। जब तक इसका कोई सलूशन ही निकलेगा तो बिल्कुल बीमारी नहीं खत्म होगी, सलूशन कोई निकलेगा तो बीमारी खत्म होगी। सर, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। हम यहाँ पर परेशानी का आप आलम देख सकते हैं। बेटा, कैसे निकलते हो यहाँ से? यहाँ में बहुत दिक्कत होती है निकलने में। यहाँ के MC जिन्होंने हमसे इतने झूठे झूठे वादे किए, पर आज तक कुछ किया नहीं है, और हमें है ना पढ़ने तक में दिक्कत होती है, अंदर बदबू के कारण पढ़ा भी नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता होगा। हाँ जी, और पानी पीने में भी है ना इतनी स्मेल होती है कि पानी भी नहीं पिया जाता। जी बिल्कुल, और बुजुर्ग और हमारे महिलाएं भी कुछ हैं। आंटी, पानी के बीच से ही निकल रहे थे अभी, आप देखा मैंने। क्या करा, कहाँ जावा, रास्ता थी और किस जावा, रास्ता छोड़कर भाई पड़ भी जहाँ, सब भाई बहुत दुखी हो रहे, सब भाई पानी का सावधान कर दे, हाथ जोड़ का कहूँ सुमत जी। क्या क्या और परेशानी आया? हमारी गली में सारी परेशानी सामने, चलता भी पड़ जाए सर, बहुत बुंडी बैठे भी नहीं जाता हमारे, और डॉक्टर नो कैसे सही रखो, सावधानी रखो, किसकी सावधानी रखा हम, हमारी गली तो बहुत खराब से, गंद भवा से, लैटरिन आ जा से। तो पानी के लिए क्या इंतजाम करते हो, पीने के पानी का कैसे? पीने का पानी क्या कराइयो, सीवर को पीवा से हम, और कहाँ जावा, पानी कितना लावा, कम पर का लागे 20 रुपया एक पीपा का, बता गरीब आदमी कैसे लाओगे पानी? जी बिल्कुल, ये जेब पे भारी पड़ रहा है। कितने टैंकर भी आना मंगवाना पड़ता है क्या? हाँ, टैंकर अपना समर लाग रहा, वैसे तो एप्लीकेशन लगा दी, और पीन का लाऊं सा कम पर के करा ना लाऊं तो के पीवा। सुन सकते हैं आपकी ये हालात हैं कि पीने के पानी के लिए गिर गए थे बेटा? हाँ, कल एक दिन गिर गया था, स्कूल जा रहा था तब, और फिर वोट मांगना है। कितना कितने कहीं चोट लगी फिर आपको? अगर उन्हीं को यहाँ से निकलने में चोट लग सकती है तो ऐसे में हालत तो आप समझ ही सकते हैं, बुरा हाल होगा। और ये हालत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई को भी स्कूटी लेकर के वहाँ पे खड़े। मैं चाहूंगा भाई थोड़ा सा आगे आओ जरा, आपसे भी जरा बात करते हैं। आना जाना होता है यहाँ पे स्कूटी पे? होगा जी, स्कूटी से ही होता है, पैदल नहीं, पैदल लाना पड़ जाओ, घर ने जाकर लाना पड़ा है, नाना पड़ेगा, और क्या करा, कीचड़ में मच्छर मरना पड़ेगा ना, तो निरीका जमरी सारा गली माग गया तक, यो हाल है जी, कोई सोल्यूशन को नहीं
साल भर तैयार है गली का यो हाल हो रहा है, पीछे भी दिक्कत थी, कोई नहीं आता, एक बार कोई नहीं आया जी, ना एमसी फोन था, ऊपर से अगर मशीन भी है आती है वो कुछ को नहीं आओ जी, कोई सोल्यूशन नहीं है जी। कारण क्या है, क्यों इसको छोड़ दिया, पाकिस्तान समझ रखा है, पाकिस्तान भर का काम हो रहा है, दादरी के बीच में पाकिस्तान बना दिया, यहाँ हमारा देश है ही नहीं है, हाँ देखते ही नहीं, कंप्लेंट कर लीजिए, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अब पानी आएगा थोड़ी देर में, मान लो आज की डेट है तो पानी आएगा, उसके बाद पैदल निकलने का बिल्कुल रास्ता नहीं है, हमारे जैसे मान लो स्कूटी पे निकल जाएंगे और क्या है, पैदल भी निकल जाएंगे, इन बुजुर्गों का क्या होगा, कोई भी गिर गया तो कौन है उनका सोल्यूशन, बिल्कुल। तो ये हालात है जी, और ये हालात हैं चरखी दादरी के वार्ड नंबर 8 से, और वार्ड नंबर 8 में यहाँ पर किसी के द्वारा भी किसी तरह का कोई काम करवाना नहीं बताया जा रहा है, और हमें आंटी जी हैं यहाँ पर, उनके द्वारा इसके बारे में बताया गया था, जरा उनसे भी हम जान लेते हैं। हमने आंटी जी की एक खबर चलाई थी चंपापुरी की, और चंपापुरी में जब हमने खबर चलाई तो वहाँ का काम हो चुका है, आंटी जी यहाँ का हालत क्या? बुरो हाल से, मैं तो एक दिन आई थी जब तो घणो भर रहे थे, और पटकड़े पड़ गई, इब जनता तो पीवस है यो सीवर को पानी, और अफसर पीवी सी कैंपरा को पानी, वह सोवी सी एसी में, और जनता सो से मास डीसी से मिलके आए थे आप, तो क्या बोल रहे थे? डीसी ने वो माइक लगा दियो मेरा मुंह का कने, वो बुलवाए गए, मैं उतनी बोल लिया गई, मेरा समाधान हो गया सारा जी, वहाँ का तो हो गया, इब यहाँ को समाधान हो जाए तो बढ़िया काम बढ़े। तो यहाँ के लिए भी पहुँचेंगे डीसी के पास? ये इकट्ठा होगा तो मैं तैयार छू, आगे चलने में मैं तैयार छू। तो एप्लीकेशन लगा दी जी? अप्लीकेशन लगाए हुआ लगभग लगभग एक महीने के आसपास होने वाला है, लेकिन अभी तक तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई नेता, कोई कुछ तो आया होगा ना? ना, क्या जरूरत है जी, ये तो सियालकोट की जो गलियां होती है ना पाकिस्तान की, ये तो वो बना रखी है जी इन्होंने, हाँ इन्होंने तो ये हालात कर दिए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है ना, जैसे कि यहाँ का एमसी है चाहे चेयरमैन है, ऐसा महसूस होता है कई बार तो, जैसे ये प्रशासनिक अधिकारी जैसे दलाल होते हैं ना, जैसे ये भाई है और कुछ भी नहीं, यानी कि गली का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है, और इन्होंने हमारी गली के अंदर 3-4 तो गोलगप्पे की रेड़ी लगती है, और 1-2 सब्जी की रेड़ियां लगती है, वो बेचारे आप देख लो कि किस हिसाब से आते होंगे और किस हिसाब से अपने व्यवसाय को, उनको तो पैदल ही निकलना पड़ता है। हाँ देख लो अब क्या क्या हालात है, अब तो ऐसा महसूस हो रहा है भाई, जितने भी घर है ना सब एक एक बाइक ले ले और बाइकों से आया जाए, और कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब यहाँ तो हो सकता है जैसे आप बता रहे हो कि बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, तो शायद नाव चलाने जाए खासा भी काम। हाँ, लेकिन नाव कैसे चलेगी, संकरी गली है, नाव भी कैसे चलेगी, यहाँ के हालात इतने खस्ता है कहने के आदमी, प्रशासनिक अधिकारी तो ये चाहते हैं भाई ये भी किसी भी तरह जो है ना इस गली में ना सारे मकान सेल हो जाए, बिक जाए, और कोई रास्ता नहीं है, ये बात तो इन्होंने सोच रखी है, यानी कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ही इस गली का नाश किया है, और इतना बढ़िया काम है जिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं चाहे जन स्वास्थ्य विभाग अधिकारी हैं, उन्होंने क्या किया भाई, जैसे पीछे पानी भरता था, जैसे कि डिप है मान लो कि लगभग सीवरेज की 7 से लेकर 8 फुट, मान लो कि अब इनसे सोल्यूशन तो है नहीं, इन्होंने क्या किया कि ऊपर से धरती से ऊपर यानी कि नीचे 1 फुट पाइप डाल के यानी कि पीछे का पानी आगे धकेल दिया, ठीक है, लेकिन वो तो धकेल दिया, लेकिन भाई 10 दिन 15 दिन ऐसे तो रहा, वो कचरा तो ऐसे ऐसे भरे पड़े हैं जी, इस गली का समाधान तो एक ही है, टोटली की टोटली सीवरेज लाइन और पानी के पीने की पाइपलाइन नहीं डलेगी तो ही समाधान होगा, और कोई भी रास्ता नहीं है जी। समझ सकते हैं आप कि पानी में बिल्कुल कालापन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सीवर का पानी ही मिक्स होकर के आ रहा है, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है लोगों का रहना और ये सारा जो यहाँ से निकलना वो सब दूभर हो रहा है, बच्चे भी परेशान हैं, बड़े भी परेशान हैं, बुजुर्ग भी परेशान हैं, और ये परेशानी जो है वो चरखी दादरी प्रशासन की वजह से बनी हुई है। जन स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में कोई जल्द से जल्द कार्य करे तो इन लोगों की ये परेशानी जो है ख़त्म हो सकती है, लेकिन अब जन स्वास्थ्य विभाग कब तक जागेगा ये देखना होगा। हालांकि हम तो यही कहेंगे चरखी दादरी प्रशासन अपनी नींद से जागे और इन गलियों में पहुंच करके इन लोगों का काम कराए, ताकि ये भी कहीं ना कहीं आराम से चैन की नींद अपने घर में सो सकें, अपना जो तमाम जो कार्य है वो कर सकें। इधर भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा लास्ट में हम ले लेते हैं एक बार। मैं तो यही कह रहा हूँ शासन और प्रशासन से, आगे ऐसी नौबत नहीं आएगी हमने रोड जाम करना पड़े, रोड जाम नहीं करना पड़े,
शासन और प्रशासन जागे और जिससे स्वस्थ पानी मिले और सब सुविधा व्यवस्था मिले हमें और अच्छा काम हो और यहाँ बच्चे आराम से आए स्कूल में जाएं और अच्छी व्यवस्था मिले, कोई बुजुर्ग वगैरह नहीं गिरे यहाँ पे, क्योंकि तीसरे दिन का काम है बुजुर्ग फिसल जाते हैं, यहाँ इतनी चिकनाई हो रखी है और इतने मच्छर पनप रखे हैं, यहाँ डेंगू तक के आ रखे हैं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ इतने डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है, ना तो हॉस्पिटलों में कोई व्यवस्था है ना और कोई प्रशासन में व्यवस्था है। तो इसलिए हम यही कहते हैं शासन प्रशासन से अकबर जी आज व्यवस्था क्या, मैं जिला उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा रमेश सोनी ये पाली से बोल रहा हूँ। ठीक है जी बिल्कुल। और भाई साहब काफ़ी सारे लोग आपके साथ यहाँ पर हैं, तो क्या कहेंगे प्रशासन को कि क्या कर दें, नहीं तो आगे आप उनको क्या चेतावनी देना चाहेंगे? प्रशासन जाग जाए तो बहुत अच्छा है, वरना रोड ब्लॉक करने पड़ेंगे। अगर रोड ब्लॉक से भी बात नहीं बने तो मेरे ख्याल में अगर सारे वार्डों को इकट्ठा करके शहर भी ब्लॉक किया जाना चाहिए मेरे ख्याल से तो। और अगर ऐसे हालात फिर ऐसे एज इट इज रहते हैं तो भैया आगे चुनाव का टाइम आने वाला है, चुनाव का बहिष्कार ही कोई समाधान है, नहीं तो और कुछ भी नहीं। तो चुनाव के बारे में भी आपने बात करी, तो लोग वोट तो मांगने आते होंगे ना जी? ना वोट तो ऐसा है ना जी, वो तो ये सोचते हैं कि ये जो हमारी जो गली है ना ये तो हमारे पुश्तैनी वोट है, ये तो हमारे को मिल जाएंगे, इन्होंने तो ये सोच रखा है बस। तो वोट मांगने भी कोई नहीं? हाँ हाँ ना, यहाँ वोट मांगने मुंगने कोई नहीं आता। क्यों? वोट मांगने आएगा तो पानी में से जाना पड़ेगा, पानी में से जाना पड़ेगा तो भाई पब्लिक की समस्याएं सुलझानी पड़ेंगी, जब कोई आएगा नहीं तो पब्लिक की समस्याएं सुलझानी नहीं पड़ेंगी। अगर ये इस गली में तो सोच रखा है इन्होंने 40-50 वोटों से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 40-50 वोटों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो कहते हैं कर सकते हैं। हाँ हाँ, एक वोट से सरकार बन जाती है और एक वोट से सरकार गिर भी जाती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं बड़ी चेतावनी दे दी गई है, कहीं पर रोड जाम करने की तो कहीं पूरा शहर जाम करने की, और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो आने वाले इलेक्शन के दौरान में ये लोग वोट को का भी बहिष्कार कर सकते हैं। तो बड़ी बात है, चरखीदादरी प्रशासन कब तक जागेगा देखना होगा। हम तो यही कहेंगे कि चरखीदादरी प्रशासन अपनी नींद से जागे और जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान करे। लगातार हम आप तक इस तरह की सूचनाएं पहुंचाते रहते हैं, बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज़। को अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, नई सूचना और नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं सोमेश ढाका वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।